सो इंडियन माइथोलॉजी पे तो मैंने बहुत सारी बुक्स रिव्यू करी हैं ऑन दिस चैनल, बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्स माइथोलॉजी. हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. और आज इस चैनल पर आई एम गोइंग टू रिव्यू अ बुक विच इज ऑन नॉर्स माइथोलॉजी बाय नील गेमन. Now, before I start this review, let me tell you a little bit about Norse mythology. तो जैसे हमारे हिंदू mythology में है ना कि बहुत सारी stories हैं that how the world was created, how the universe was created, ये ब्रह्मांड कैसे बना था. तो वेदों में भी बहुत सारी stories हैं, बहुत सारी mythology books इस पर लिखी गई हैं और बहुत सारी imaginary stories भी हैं. So similarly, in Norse mythology also ना, there's a different concept of how the universe was created. There are so many tales, so many stories, how the first god was created, how the first demon was created. So what Neil Gaiman has done, he's rewritten all these stories, all these Norse mythological tales, but obviously he's kept the real essence of the stories alive. So this book has stories about Ymir, जो कि पहले जाइंट थे ऑफ दिस वर्ल्ड, देन हाउ ही एंड हिज काउ डिस्कवर्ड बूरी द एंसेस्टर्स ऑफ गॉड, एंड देन हाउ ओडिन एंड हिज ब्रदर्स वर फॉर्म्ड एंड हाउ दे क्रिएटेड द होल यूनिवर्स अगेन. और इस बुक में इट हैज सम कूल स्टोरीज अबाउट ओडिन, हिज सन थॉर एंड लोकी. एंड आई एम श्योर इफ यू वॉच्ड अवेंजर्स मूवीज और थॉर मूवीज अगर आपने देखी हैं तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दीज कैरेक्टर्स लाइक ओडिन, थॉर, लोकी, एसगार्ड और हैर का जो थॉर का जो हैमर है एंड एवरीथिंग. सो नील गेमन हैज गिवन द स्टोरीज बिहाइंड दीज सीरीज, लाइक फॉर एग्जाम्पल थॉर को उनका जो हैमर है वो कहां से मिला था. सो द रियल स्टोरी इज इन द बुक. एंड ऑल्सो जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि थॉर के हैमर की जिम्मेदारी, उनको जो मिला है थॉर को हैमर, उसके लिए लोकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, हु इज अ मिस्टीवियस गॉड इन नॉर्स माइथोलॉजी. सो नील गेमन हैज बेसिकली इट्स द रीटेलिंग ऑफ ऑल नॉर्स माइथोलॉजिकल टेल्स बट विद अ मॉडर्न ट्विस्ट. सो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बुक आई रियलाइज्ड देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदू माइथोलॉजी एंड नॉर्स माइथोलॉजी. कंप्लीटली दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. लाइक फॉर एग्जाम्पल हिंदू माइथोलॉजी में हम कहते हैं ना द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीन गॉड्स हैं हमारे. वैसे ही नॉर्स माइथोलॉजी में द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड बाय ओडिन, विली एंड वे, तीन भाई जो हैं. एंड देन बहुत जगह पर ये कहते हैं ना कि प्रलय आएगा, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है. तो नॉर्स माइथोलॉजी में भी प्रलय आने की बात कही गई है, बट इट इज कॉल्ड रैग्नारोक. एंड आई एम श्योर अगर आपने थॉर मूवीज देखी हैं तो एक रैग्नारोक मूवी भी है विच इज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी मुझे लगती है लोकी और हमारे नारद मुनि में. मतलब ऑफकोर्स नारद मुनि इतने बुरे नहीं है बिकॉज लोकी इज रियली इविल, बट इन दिस बुक ऑल्सो एंड अदरवाइज इन नॉर्स माइथोलॉजी एंड इन अवेंजर्स मूवीज ऑल्सो माई फेवरेट कैरेक्टर इज लोकी, बिकॉज आई थिंक ही इज अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंड इविल जिनको आज तक कोई नहीं समझ पाया. But yes, if you want to know more about Norse mythology, ये stories बहुत ही interesting है. You're really going to love it if you love mythology. And so this book by Neil Gaiman is super interesting. You should definitely read it. You're going to love it. So do let me know, who's your favorite character in Norse mythology. And if you like this comparison of Hindu mythology and Norse mythology, please, share your comments in the comment section below. And also, if you like this video, please share it with your friends and subscribe to my channel and press the notification bell. Till my next video, please keep reading and please keep smiling.